वादग्रस्त एचआरजे कंपनीमध्ये परप्रांतीय चालकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जात आहे. चालकांना पिण्याचे पाणी, जेवणाची योग्य सोय नाही. तसेच टीनाच्या शेडमध्ये चांगल्या रीत्याचे कूलर न लावता ठेवण्यात आले आहे. सोबतच प्रतिबंधित प्लॅस्टिकमध्ये जेवण दिले जात असून कंपनीच्या रवैयांनी वाहन चालक त्रस्त झाले आहे. 5 दिवसात कंपन्यांनी मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर अमन अंधेवार मनसे जिल्हाध्यक्ष यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुगू शहरात कारगिल चौक येथील कोळशाच्या कंत्राटदाराचे काम हरिराम गोधरा एचआरजी कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीच्या जड वाहतुकी ट्रक पैनगंगा, मुंबोली, कोलगाव, वेकोलीच्या खाणीतून कोळसा वाहतुकीचे ट्रक हायवा नवीन व जुनी रेल्वे साइडिंगवर अशा कोळशाचे वाहतूक होत आहे. या गोधरा कंपनीतर्फे नाहक त्रास वाहन चालकांना दिला जाते. या वादग्रस्त एचआरजी कंपनीमध्ये परप्रांतीय चालकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जाते. चालकांना पिण्याचे पाणी, जेवणाची तसेच टीनाच्या शेडमध्ये चांगल्या रीत्याचे कूलर न लावता जेवण देखील प्रतिबंधित प्लॅस्टिकमध्ये गरम जेवण दिले जात आहे. अशा प्रकारे गरम जेवण दिल्याने कर्करोग होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. गोधरा कंपनीतर्फे वाहन चालकांना शोषणाच्या समस्याला वाहन चालक त्रस्त झाले असून त्यांनी कामगार मनसे जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार यांची भेट घेतली. एचआरजे कंपनीच्या परिसरात त्यांनी कार्यकर्त्यासह पाहणी करत चालकांच्या समस्या जाणून घेतल्या व या ठिकाणी अनेक समस्या दिसून आल्या. 7-8 कंपनीला निवेदन देऊन चालकांना 8 तास ड्युटी व GR नुसार पगार देणे, 5 दिवसात चालकांच्या मागण्या मान्य करणे, तसेच जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर मनसे कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार चंद्रपूर यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यांनी यावेळी दिला आहे. घुगुस के चंद्रपुर जिले के घुगुस क्षेत्र में जो ये HRG कंपनी है WCL, जिसको 15 साल के लिए जो ठेका दिया गया है WCL, तो यहाँ पर आज हम आए हैं. तो यहाँ की जो ड्राइवरों की जो समस्या है बहुत गंभीर और बहुत ही भयंकर है. भयंकर खाने से लेकर ड्राइवरों की हर समस्या का बहुत भयानक यहाँ पर तकलीफ है. उन लोगों को 22,000 रुपये पेमेंट मिलता है. GR पेमेंट है 40,000 रुपये, जबकि 35 से 40,000 उनको मिलता है. 800 रुपये रोजी, 1300 के ऊपर की रोजी है लेकिन 800 रुपये मिलती है. और बाकी उन लोगों की समस्या 12 घंटे ड्यूटी, और एक भी जो ड्राइवर है वो ये नहीं बोल रहा कि हमको तकलीफ नहीं है. यहाँ जितने भी है सबके कहना यही है कि हम लोगों ने उनकी चीज़ें देखे, उनका सोने से लेके खाने से लेके सब चीज़ों की परेशानी है. खाने का जो देख रहे हैं, जो बनाने वाले, अकेला एक लड़का 120 लोगों का खाना बना रहा है. 15-16 साल का लड़का 120 लोग खाना बनाता है. फैन नहीं है, कूलर. 15,000 रुपये पेमेंट में 120 लोगों का खाना बना रहा. लोगों को फैन की दिक्कत है, उनके फैन बंद है. और भरे टीन के कंपाउंड बने हुए हैं जिसमें वो रह रहे. एक एक टीन के कंपाउंड में कम से कम 15 से 20 लोग है. और इनकी जो ऑफिस है मैनेजर लोगों की, ये हमारे धीरज साहब है मैनेजर यहाँ पर. ये जो भी है यहाँ पर इनके सामने अभी ये ऑफिस है. ये ऑफिस में इनकी बैठक है. यहाँ पर AC, फैन सब चीज़ें लागू है लेकिन ड्राइवरों को ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है. उनकी समस्या इतनी भयानक है कि वो चलते गाड़ी में उनको खाना खाना पड़ता. और विषय ऐसा है कि आज के समय में प्लास्टिक बंद है इंडिया, और टोटल इंडिया में प्लास्टिक बंद है. फिर भी ड्राइवरों को प्लास्टिक के पन्नी में गर्म खाना डाल के दिया जाता है. और गर्म खाना डालने के बावजूद क्या पन्नी का एक्शन कैंसर पर, प्लास्टिक से कैंसर होता है ये सभी को मालूम. और गर्म खाना उसमें डालने से प्लास्टिक का जो गलकर जो खाने पर उनका वायरस फैलता, तो उससे उनको कैंसर की बीमारी हो सकती है. ये सब चीज़ें हम लोगों ने HRG कंपनी में सिर्फ 8 से 10 लोग, 300 से 400 गाड़ियाँ रहने के बाद में लोकल के लोग यहाँ पे सिर्फ 8 से 10 लोग हैं. बस पर्सन भी नहीं, सिर्फ 8 से 10 मेंबर हैं यहाँ ड्राइवर. 10 दिन पहले